इसी के साथ यहाँ पे इतना ज्यादा ब्लैक आइस था और बाइक आइक नीचे गिर गई, बंद करनी पड़ी गाड़ी पहले। तो भैया हेल्प करो यार गाड़ी उठाने में। गुड मॉर्निंग गाइज। तो हम रुके थे, कल आए थे द्वाराहाट से सारी विलेज और इस होटल में रुके हुए थे, होटल फर्स्ट व्यू। और नीचे आप देख रहे हैं पूरा सारी विलेज है और देखिए खूबसूरत सा गांव है और आबादी काफ़ी है, 600 के करीब यहां की आबादी है इस गांव की। और खूबसूरत सारे खेत और वो ऊपर है चौपता जो हमारी डेस्टिनेशन है। अभी हमको यहां से जाना है, अभी मॉर्निंग के करीब 6:30 बजे हुए हैं और मौसम भी काफ़ी ख़राब है। आप देख ही रहे हैं कि ऊपर पूरा क्लाउड है, रात में बारिश हो रही थी। हमारा प्रोग्राम था देवरिया ताल जाने का लेकिन बारिश होने की वजह से हम लोग वहाँ जा नहीं पाए, क्योंकि मॉर्निंग 4 बजे का हमने प्लान बनाया था। अभी निकलना है हमको चौपता की ओर को और भाई लोग रेडी हो चुके हैं, सारा सामान पैक हो गया है, तो निकलते हैं चौपता को। भाई दिस इज आदि उपाध्याय एंड यू आर वॉचिंग आदि ब्लॉग्स। तो मैंने आपका प्रोग्राम बना दिया, अभी निकलना है चौपता हमने, तो देखते हैं चौपता का रास्ता कैसा है और कितनी ज़्यादा बर्फ है। बता रहे हैं कि वहाँ 3-4 फीट बर्फ है। वहाँ से हम लोग जाएंगे शायद तुंगना टेम्पल ट्रैक, अगर वो रास्ता खुला होगा तो देखते हैं क्या तक होता है। सो बाय बाय करते हैं सारी विलेज को और आज मौसम बड़ा खतरनाक है, ऐसा होता है कि बारिश हो जाए या चौपता में स्नोफॉल भी हो सकता है। और रास्ता आप देख ही रहो, अगर कैमरा आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा तो सामने बहुत ज़्यादा बर्फ है और उसी रास्ते हमने निकलना है। यह है खूबसूरत सारी विलेज जो पड़ता है रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में और इसकी डिस्टेंस ऋषिकेश या हल्द्वानी दोनों से करीब 170 किलोमीटर है। और होटलों की कोई कमी नहीं है, बहुत होटल हैं, जितने नैनीताल में भी नहीं होंगे उससे भी ज़्यादा हैं। और चौपता की जो डिस्टेंस है सारी विलेज से वह है 22 किलोमीटर और सारी विलेज से एक ट्रैक जाता है देवरिया ताल को। हमारा मॉर्निंग का प्लान था जैसा मैंने पहले बताया था लेकिन बारिश होने की वजह से हम लोग वहाँ जा नहीं पाए, क्योंकि हमने आज ही वापस भी जाना है यहाँ से, तो इस वजह से हमने वो अपना वाला प्लान कैंसिल कर दिया। तो चौपता 22 किलोमीटर है, तो 22 किलोमीटर हमको करीब लगेगा 1 घंटा पहुँचने में, क्योंकि रास्ता थोड़ा ऐसा ही है ख़राब टाइप का। तो ये पूरा जो जंगल है ये है केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इसमें आपका जो मस्क डियर होता है, मस्क डियर और स्नो लेपर्ड और बियर, उसके लिए पूरा जंगल काफ़ी फेमस है। जब भी आप आओ तो आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे, मस्क डियर हो गया और लेपर्ड हो गया। और जो फेमस उत्तराखंड की जो बर्ड है वह है मोनाल। चौपता एक मतलब बर्ड के लिए भी बहुत काफ़ी जाना जाता है, यहाँ हिमालयन बर्ड्स का बहुत बड़ा ग्रुप रहता है करीब आपके, जैसे फिजेन फैमिली है उसकी बहुत सारी ट्राइब रहती हैं। तो जब आप आए, अगर आप वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप ये भी यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हैं। थोड़ा दिन आपको, 1-2 दिन हो सकता है मे बी वेट करना पड़े, लेकिन आपको सब चीज़ें देखने को मिल जाएंगी ज़रूर। और हमारी क्या किस्मत रही तो हमको भी यहीं रोड पर ही देखने को मिल जाता है। जैसे जैसे ऊपर को बढ़ते जा रहा हूँ मैं, वैसे वैसे ठंड काफ़ी बढ़ चुकी है। आप देखो किनारे किनारे अभी थोड़ी बहुत इसमें है, ऊपर जाके और ज़्यादा मिलेगी। लेकिन जैसे मैंने सुबह मॉर्निंग में गूगल करके देखा था कि यहाँ का जो टेम्परेचर था मॉर्निंग में -2 दिखा रहा था उस टाइम पे, और अभी उसका पहले तो वहाँ सारी विलेज में तो लग नहीं रहा कि इतना ठंडा होगा, लेकिन अभी जो है स्थिति बड़ी नाजुक है और इतना ठंडा हद से ज़्यादा, पाँव बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं, पूरे हाथ ठंडे हो चुके हैं। अब देखो आप सामने अभी ये स्नो दिखना स्टार्ट हो गया, यहाँ से करीब रोड के साइड में 2-2 फीट होगी स्नो अभी और मे बी यहाँ पर ब्लैक आइस है।
बस ये एक हमारा एक बेनिफिट है कि सुबह यहाँ पे स्नोफॉल तो हुआ है हल्का हल्का, लेकिन ब्लैक आइस काफी है, हद से ज्यादा। तो बारिश होने की वजह से हल्का हल्का ये पिघल चुका है अभी, ये तो सुबह स्नोफॉल हुआ होगा उसका है अभी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत सारे कैंप साइट बहुत सारे हैं, लेकिन चोपता वो काफ़ी एक्सटेंसिव है, इसलिए हम लोग सारी विलेज रुके थे। हो सकता था हम लोग यहाँ भी आ जाते, लेकिन आप देखिए सामने ऊपर बहुत सारे कैंप साइट हैं यहाँ पे, और ठंडा तो भाई साहब विकट है, विकट ठंडा। आगे कलवट क्षतिग्रस्त है, कितना धीरे चलिए, आगे कलवट भी है एक क्षतिग्रस्त है, जो ये है कलवट जो है ख़राब। और मौसम तो भाई साहब ऐसा हो गया ना, कसम से कहीं गलत फैसला तो निकल लिया इधर आने का। आप देखो बहुत सारे हैं एल्पाइन कैंप, ये कैंप बहुत सारे टेंट लगे हुए हैं, कंस्ट्रक्शन यहाँ पे अलाउड नहीं है, टेंट लगे हुए हैं। या स्नो राइड का मजा लीजिए, पूरे रोड पे स्नो ही स्नो है चारों ओर, और जो स्थिति है बड़ी गंभीर हो गई है, गाड़ी इतनी ज़्यादा स्किड कर रही है हद से ज़्यादा। हमारे दोनों भाई जद्दोजहद करते हुए ब्लैक आइस से, और मैं भी साथ में, ये तो डबल सवारी पे चल रहे हैं, तो थोड़ा दिक्कत भी है थोड़ा बेनिफिट भी है, वेट थोड़ा सही रहेगा गाड़ी का, दबके चलेगी, लेकिन दिक्कत यह है कि अगर हल्का सा स्किड किया तो वेट संभालना फिर मुश्किल भी पड़ता है। और ठंडा हाथ तो ऐसे हो गए भाई साहब, हाथ की स्थिति तो होगी है बड़ी नाजुक, अब तो क्लच और गियर भी, क्लच और ब्रेक भी लग रहे हैं, गियर तो पाँव से लग रहे हैं, वो भी मतलब बहुत नाजुक है, फर्स्ट गियर में ही चल रही है गाड़ी, गियर बदलने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ये बीच में ब्लैक आइस बहुत ज़्यादा है, इसी के साथ यहाँ पर इतना ज़्यादा ब्लैक आइस था और बाइक आइक नीचे गिर गई, बंद करनी पड़ेगी गाड़ी पहले। तो भैया हेल्प करो यार गाड़ी उठाने में, और बारिश भी स्टार्ट हो गई है और गाड़ी गिर गई है। चलो और एक बंदा। तो भैया अभी रेनकोट पहन लिया, रानी आवाज़ आ रही है, कोई माइक आई हटाना पड़ा था, तो रेनकोट पहन लिया, अब निकलने वापस चौपता की ओर को, लेकिन मौसम बहुत ख़राब है, हल्की हल्की बर्फ़ गिरने लग गई है धीरे धीरे, अभी तो ये थोड़ा वाटर ड्रॉपलेट टाइप की लगी है, लेकिन बर्फ़ पूरी है, ऊपर से लोग भी आ रहे हैं कुछ। सैलानी लोग कर रहे हैं बर्फ में अठीरी, और चारों ओर गिर रही है बर्फ, बहुत तकड़ी बर्फ है, यहाँ एक बर्फ भी आई है। तो लो मज़ा भैया, अब बर्फबारी का मज़ा लो, और बस लाओ बाइक, और इतना टफ है बाइक चलाना हद से ज़्यादा, वहाँ बीजे से रपटे बड़े खतरनाक हैं, बर्फ़ के रपटे, पानी के नहीं बर्फ़ के रपटे, जहाँ पर मिट्टी आई हुई है बर्फ़ क्या वहाँ पर तो और ज़्यादा टफ है बाइक चलाना। मुझे अब मुश्किल लग रहा है चौपता पहुँचने, क्योंकि बर्फ़ बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है, शायद हमको वापस ना जाना पड़े, तो देखते हैं कोई ऑप्शन को मिल जाए। और रास्ते में देखिए आप बर्फ़ इतनी ज़्यादा हो गई है हद से ज़्यादा, रोड के किनारे आप देखिए, और बर्फ़ जो स्नोफॉल है वो बहुत तेज़ होने लग गया है, और अभी चौपता करीब 7 किलोमीटर या 5 किलोमीटर के करीब और बचा होगा। तो फाइनली हम लोगों ने यहाँ पे अपनी बाइक खड़ी कर दी है, अब लोग हम लोगों ने, क्योंकि बर्फ़ बहुत ज़्यादा तेज़ गिर रही है, तो हम लोगों ने अपने अपने रेनकोट तो खैर पहले पहन लेते, हम लोग गए थे या करीब 3 किलोमीटर ऊपर तक, और वहाँ से 2 किलोमीटर चौपता और बचा हुआ था,
लेकिन जो रोड में इतनी ज़्यादा बर्फ़ गिर गई थी वो हद से ज़्यादा थी, तो बाइक चल नहीं पा रही थी बिल्कुल भी। चलाते भी तो ऊपर जाके हम स्टक हो जाते, तो उससे अच्छा है कि हमने नीचे बाइक यहाँ पर रोक ली। अब हम लोग जा रहे हैं पैदल चौपता। पूरी बर्फबारी हो रही है, पूरी रोड देखिए आप कैसी हो चुकी है। हमने राइट डिसीजन लिया कि हमने अपनी बाइक यहाँ नीचे खड़ी कर दी। खैर राइट क्या डिसीजन, अभी तो नीचे जाके पता चला कि वहाँ जहाँ पर हमने बाइक खड़ी की है वहाँ पर क्या स्थिति होती है। अब भाई लोग हो गए हैं वीडियोग्राफी फोटोग्राफी में मशगूल, और अभी चौथा 3-4 किलोमीटर और पैदल बचा हुआ है, तो हमने जाना तो है ही, अब चाहे पैदल जाए चाहे बाइक से, तो जाके रहेंगे पूरा ऊपर तक। बर्फ़ बहुत भयंकर गिर रही है, तो पैदल चलते चलते हम लोग पहुंच गए यहाँ पर। देखो सारी ये गाड़ी भी देखो स्लाइड कर रही है पीछे को बैक आने में, ये अब सारी गाड़ियाँ स्टक करने लग गई हैं। ये पूरी पूरी सबसे पीछे बैठा चलो। सो फाइनली वी रीच एट चौपता। यह चौपता और यह है तृतीय केदार, श्री 1008 भगवान तुंगनाथ का टेंपल का ट्रैक। अभी देखते हैं यहाँ से ट्रैक होता है नहीं होता है। ट्रैक अगर हो जाएगा तो हम लोग निकलेंगे ऊपर की ओर को, क्योंकि हो सकता है कि कोई बोला था कि आज रेड रेड किया है, तो डीएम साहब ने मना किया हुआ है उसके लिए। तो फाइनली हम तीनों लोग पहुँच चुके हैं चौपता, और काफ़ी हो रहा है स्नोफॉल अभी यहाँ पर। अभी देखते हैं तुंगनाथ ट्रैक का क्या होता है। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो नीचे कमेंट जरूर लिखना, भाई लोगों को बहुत मेहनत करके यहाँ पहुँच सके चौपता में। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए जय देवभूमि जय उत्तराखंड।